तो जो आज क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश के 50 मार्क्स का, मैं उसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं ये सोल्यूशन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहूँ और एग्जामिनेशन तक मैं आप लोगों को वीडियोज़ देता रहूँगा। तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट में आवर ग्रैंड मदर इज़ अराइविंग बाय द ट्रेन 3:30 बाय द 3:30 ट्रेन, यानी कि हमारी दादी माँ जो है जो 3:30 के ट्रेन के द्वारा आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर रीड्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए गलती से मार दिया गया है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी माई फादर रीड्स, मेरे पापा पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे माई फादर के पास जो आदत दर्शा रहा है तो इसके साथ रीड्स लगेगा, टू का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है जो करेक्टली स्पेल्ड है ए डी ओ एल ई एस सी ई एन सी ई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डिसाइडेड टू बाय ए न्यू कार, हमने डिसाइड किया है एक नया कार खरीदने के लिए। द फिल्म वाज फनी एट द एंड, फिल्म अंत में फनी था, तो फाइव का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है When the morning arrived एक फ्रेज है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें arrived बेस्ट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ द मॉर्निंग arrived इज द बेस्ट कॉमनली यूज phrases, तो यहाँ पे मैं arrived किया हूँ। When the morning arrived, जब सुबह हुई, the murder was discovered, कि जब जो मर्डर हुआ था रात में उसको डिस्कवर्ड किया गया। द accused was guilty, he admitted this in court, the accused admitted in court that he was guilty, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो है जो टेंस चेंज नहीं होता है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर सेवन में जो दिया गया है क्वेश्चन वो पास्ट में है, तो हमारा जो कम्बिनेशन बनेगा वो भी पास्ट में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट आंसर, और भी कोई भी आंसर सुटेबल नहीं है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है फोर्स से अंदर घुस जाना, इंटर बाय फोर्स चोरी के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए फोर्स से अंदर घुस जाना, तो एट का सी इंटर बाय फोर्स ब्रेक इनटू का मतलब हुआ। नाइन प्लीज वेट मी एट होम अनटिल आई ब्लैंक फ्रॉम ऑफिस, तो अनटिल आई रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जब तक मैं ऑफिस से लौटता हूँ, यानी कि अभी ये काम हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, नाइन का डी, इसमें रिटर्न नहीं होगा। प्लीज़ वेट फॉर मी एट होम अनटिल आई रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, जब तक मैं ऑफिस से नहीं लौटता हूँ, ताहूँ तीहूँ तेह से बना है, तो ऑप्शन नंबर डी नाइन का, इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे लाइन की बात कर रहा है। अगर किसी पहले तो ए और एन नहीं होगा, ए लाइन नहीं होगा, कोई लाइन नहीं क्योंकि फिक्स है, तो मैं पहले एक बात कर रहा हूँ कि लायन इज़ ए फेरोसियस एनिमल, इसका मतलब द इसमें नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि किसी खास लायन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सारे लायन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 10 का डी, नन ऑफ दीज, लायन इज ए फेरोसियस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 11, ही रोट ए लेटर ही सेंट इट थ्रू द मैसेंजर, He wrote a letter and sent it through the messenger. तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। Women like men to flatter them. Women like to be flattered by men. Women को पसंद है कि मैन उसकी चापलूसी करें। Flatter का मतलब होता है चापलूसी करना। 12 का सी, Choose the suitable meaning of phrase. A big draw. A big draw का मतलब हुआ a huge attention. A big draw का मतलब एक ए ह्यूज अटेंशन, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी, राधिका सिट्स बिटवीन रेखा एंड सीता, 14 का ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड के बाद जो मेक है वो अपने इसी फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी दो भर्ब एक के बाद एक बी वन के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे होगा अवॉइड मेकिंग सिल्ली मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर डी, और भी जो है वो सारे सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो 15 का डी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारगर हो, अगर वीडियो में कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा करेंगे और कमेंट बॉक्स में देख लेंगे कमेंट करने के पहले कि उसको सुधार दिया गया है या नहीं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।